शादी विवाह हो गया कोई और जश्न का माहौल, ढोलक की थाप के बिना तो जश्न अधूरा रहता है। ढोलक की थाप घरों तक खुशियां पहुंचाती हैं। लेकिन आज ढोलक बनाकर घरों तक खुशियां पहुंचाने वाले ये कलाकार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हो या कड़कड़ाती ठंड, ढोलक बनाने वाले कलाकार दिन भर कड़ी मेहनत कर ढोलक का निर्माण करते हैं। ढोलक निर्माण होने के बाद ये लोग इसे बेचने के लिए घूमते हैं। लेकिन समय के साथ ढोलक की जगह आधुनिक बैंड के आ जाने के बाद इस पारंपरिक ढोलक की मांग घटने लगी है। अगर बिकती भी है तो आने पौने दामों में। लाभ कम होने के कारण ढोलक बनाने वाले कलाकार आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। खत्म होता जा रहा है साहब, बात है समाज में ये है कि हिंदू परिषद में भी ज्यादा कीर्तन भजन में हर चीज में नवदुर्गा में इसमें जरा थोड़ा सा ज्यादा बिक जाता है बात है। और अपने मुसलमान में भी है जो ढोलक का एकदम कमी होता जा रहा है, यानी एक रुपए में 25% है, 75% खत्म है, मतलब 25% मुसलमान ढोलक बजाता है। ढोलक बनाने के बाद अगर ये लोग उसे बेचने के लिए बाजार में जाते हैं तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जब दिन भर घूमने के बाद भी एक ढोलक नहीं बिक पाता है। जिस दिन ढोलक बिक जाता है उसे दिन तो ठीक है, लेकिन ढोलक नहीं बिकने पर इन कलाकारों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। बोलना क्या यही है का नाम, जब ढोलक दिन भर लेकर घूमते रहो तो अगर बिक गया एक दो ठो तो वही खाने को मिलता है, अगर नहीं बिका तो ऐसे ही का नाम सो जाते हैं। दिन ब दिन ढोलक कमी हो जा रही है, ना बिक्री हो रही है। 100 का धन लगाओ तो 10-20 रुपया भी नहीं से मिलता है, तो क्या फायदा इसमें का नाम कुछ ना, ना कोई नौकरी ना कोई चौकरी है, यही है रोजी रोटी अपनी बस। आधुनिकता के इस युग में शादी विवाह या अन्य उत्सवों में लोग पारंपरिक ढोल की जगह आधुनिक बैंड का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण ढोलक बनाने वाले कलाकार आज बदहाली के दौर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।